आज राज किचन रेसिपी में बनाएंगे सर्दियों की सबसे ज्यादा खाए जाने वाली बनाई जाने वाली मिक्स रेसिपी, जिसको खाने के बाद उंगलियां क्या प्लेट भी खा जाएंगे। गाजर सबसे हेल्दी होती है और सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाती है, और ये आ गई गाजर से भी ज्यादा हेल्दी सेम फली। इस सेम फली को फोवा बीन्स भी बोलते हैं और काफ़ी नाम है इसके, फ्लैट बीन्स भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए गाजर काफ़ी बड़े साइज़ की है और गाजर का वजन है 500 ग्राम। देखिए तीन गाजर हैं, सबसे ज़्यादा वजन इसका 300 ग्राम, 350 ग्राम की तो यही गाजर है, और बाकी का वजन ये देख लीजिए 500 ग्राम ये गाजर है और 300 ग्राम हमारे पास है सेम फली। तो हमने इसको एक दिन फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ी सी काली पीली हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें हमने धो लिया है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर जो सेम फली है इसको साफ करने का तरीका है वो आपको देखना है। इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से तोड़ना है और इसमें से एक तार निकलता है वो निकालना है। ये देखिए कच्ची होगी तो नहीं निकलेगा, पकी होगी तो तार पूरा निकलेगा, तो ये हटा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये कच्ची है, करीब करीब मैंने सारी कच्ची ही सेम फली ली है और काफ़ी सस्ती ली है मैंने, ये मैंने ली 80 रुपये की 2.5 किलो। देखिए 300 ग्राम तो यही है और बाकी भी बची हुई है, रेसिपी आती रहेगी देखते रहना। ये देखिए जो गंदी सी है इसे हटा देते हैं, ठीक है, और इसे चेक कर लें इसमें। ये देखिए ये हल्की सी पकी है, देखिए तार निकल गया, तो इसे अच्छे से बीच में से चेक भी करना है आपको कि ये कहीं इसमें लट वगैरह ना हो, कीड़ा वगैरह ना हो, इस तरीके से साफ कर लेनी है इसको। तो ये देखिए ये इस तरीके से तोड़ लेना, कच्ची होगी तो तार नहीं निकलेगा, हल्की सी भी पकी होगी ना, देखिए हल्की सी भी पकी होगी तो देखिए इस तरीके से तार निकलेगा, ये तार आपको निकाल लेना, वरना ये क्या ये जो तार है ना, ये देखिए ये तार है ना आपके दांत में फंस जाएगा, फिर आप इरिटेटेड होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे साफ कर लेंगे। अब आ जाती है गाजर की बारी, तो गाजर के साथ क्या करते हैं, वाओ गाजर को कैसे काटना, देखिए यहाँ से इतने ऐसे काट देना है, 2-2 इंच एक एक इंच के हिसाब में काट देना। अब ये जो बची है इसे गोल गोल काट देना है, ज़्यादा पतला भी नहीं काटें और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटें वरना गलने में दिक्कत करेगी। ओहो बाकी बचा हुआ ये वाला ग्रीन पार्ट, ये हटा देते हम अंदर का जा रहा भाई, और इसके हम इस तरीके से 4 पीस कर देते हैं। ये वाले भी ले लेते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, ये हमारे को ज़्यादा अच्छी लग रही है, मीठी गाजर है ये देखिए। ये बचा हुआ है ग्रीन पार्ट काट देते हैं इसका, और इसे भी इस तरीके से 4 पीस कर देते हैं। और सेम फली गाजर का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है एक बार बना के देखना आप, ये ज़्यादा लंबी काट दी मैंने, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। काफ़ी सारे गुण हैं गाजर के भी और हमारे सेम फली की भी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार दोस्तों कि सेम फली को आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और आवाज आती है सबसे बड़ी गाजर की बारी, ये देखिए यहां से इस तरीके से काट देते हैं। ओहो और ये जो बची सेम फली, इसे हम साफ करने के लिए 4-5 लोग नीचे फ्री हैं तो उनको बोल देते हैं इस तरीके से छीलने के लिए, और ये बड़ी वाली गाजर को भी हम काट लेते हैं। तो 3 तरीके से गाजर कट के तैयार है, और यहाँ पर सेम फली भी छील ली हमने, तार निकाल लिए है देखिए, और इसमें जो खराब थी वो भी हमने सेम फली निकाल दी। चलो ये इसे हटा देते साइड में। अब जो सेम फली है इसके अंदर कीड़ा वगैरह हो सकता है तो हम इसे काटेंगे नहीं, देखिए इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे सारी सेम फली, बहुत टेस्टी बनेंगे, काटेंगे नहीं, इस तरीके से पूरी सेम फली खोल लेंगे। हल्के हल्के बीज भी हैं, कच्चे बीज भी हैं, पके बीज भी हैं, इस तरीके से इसको पूरा खोल लेंगे हम। देखिए अच्छे से देख लें कुछ भी नहीं है, इस तरीके से सारी सेम फली को खोल लेंगे। ये लीजिए सारी सेम फली हमने 2 पीस कर ली हैं। अब आपको बताना है सेम फली का जो तासीर होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है ठंडी होती है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और गाजर का भी बताना है आपको कि गाजर की तासीर ठंडी होती है गर्म होती है। यहाँ पर हमने चला दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई, गैस को कर दिया है ऑन, कढ़ाई को होने देते हैं गर्म। 4 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे, हाँ, और 2 ऑयली वाले 1 बूंद भी डाल सकते हैं।
तेल गर्म होने के साथ ही जाएगा। क्या? जीरा एक आधा चम्मच, एक चम्मच भी डाल सकते हैं। तड़का लग गया, तड़का लगते ही 4 से 5 हरी मिर्ची गोल गोल कटी, हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है कच्ची वाली है, 3 प्याज स्लाइस में कटेंगे मीडियम साइज की। अब लीजिए स्टार कर लेते हैं, प्याज थोड़ी कम लग रही है, 1 प्याज और डाल देते हैं। ये लीजिए गैस हाई फ्लेम पे कर देते हैं, स्टार कर लेते हैं अच्छे से, लच्छे खुलने तक प्याज के चलाएंगे इसे। ये लीजिए प्याज के लच्छे खुल गए हैं, गैस को कर देते हैं लो फ्लेम पर। अब हमारी ये गाजर है, इसका पानी निकाल लेते हैं। और सबसे पहले गाजर ही डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि गाजर को पकने में लगेगा समय। पानी निकाल लेते हैं इसका अच्छे से इसे, और सिंपली यहाँ जाएगी गाजर, एक बार मिला लेते हैं। गैस अभी लो फ्लेम पे है, हल्का सा मिला लें। मिलाने के बाद जाएगा इसमें सबसे पहले 1 छोटा चम्मच सी सॉल्ट, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी। अब लीजिए हम मिला लेते हैं, और करीब 3 से 4 मिनट से रेगुलर चलाना है। गैस को मीडियम लो फ्लेम पे कर देते हैं, मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट। ये देखिए गाजर अच्छे से पक गई है, अच्छे से तो नहीं पकी अभी, काफ़ी कसर बाकी है और अभी पकाना बाकी है इसको। तो देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ आपको, तो मोटी वाली काट लेते हैं, हल्की सी कसर रहेगी, ये देखिए हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी। और अभी हम सेम फली डालेंगे, पर सेम फली डालने से पहले इसमें 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर डाल देते हैं। ये लीजिए हींग पाउडर हो गया, हींग पाउडर को मिला लेते हैं। वो गैस मैंने लो फ्लेम पर कर दी है, मीडियम लो फ्लेम से। आप ये लीजिए अब सीधा सेम फली डाल देंगे इसमें। अब लीजिए अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसे भी चलाना है, 2 से 3 मिनट करीब 3 मिनट चला लें आप तेल के अंदर से अच्छे से। अब लीजिए मिला लिया हमने इसे 3 मिनट, पानी डाल देते हैं 100 ml, 150 ml भी डलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला लेते हैं। मिला लिया, ये लीजिए अब ढक्कर रख देते हैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए, बीच में एक बार चेक जरूर करें। लो फ्लेम पर बिल्कुल रखे हुए 3 मिनट हुए, हटाते हैं ढक्कन, गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं और एक बार इसे मिला लेते हैं। और मैंने बीच में चेक नहीं किया, बहुत जल्दी 3 मिनट हो गए। अब बीच में जगह करते हैं, देखिए काफ़ी पानी है इसमें, इसलिए अब यहाँ डालते हैं सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। मैंने लहसुन नहीं डाला है, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, पर लहसुन से थोड़ा फ्लेवर ख़राब हो जाता है इसका, ठीक है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डालते हैं, और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं कलर के लिए, और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं कश्मीरी। और यहाँ मिला लेते हैं इसको, ये देखिए मिला लिया, पानी इसने पूरा सोख लिया। अब मिला लेते हैं 30 से 40 सेकंड, मसालों को बीच में पका लें आप और फिर मिला लें। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, हमने अच्छे से चला लिया है, और इतनी टेस्टी सब्जी खाने के लिए कौन मना करेगा। और ये काफ़ी हेल्दी होती है, और जो सेम वाली होती है उसकी तासीर गर्म होती है, और गाजर की भी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये खाई जाती है, और काफ़ी गुण होते हैं इसके अंदर। गैस हमने लो फ्लेम पे कर दी है, बस लास्ट टाइम ये सेकंड लास्ट मसाला डाल देते हैं, गर्म मसाला,
8 से 10 पिंच, और साथ में 50 ग्राम के आसपास बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और मिला लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बन गई, ना 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 नहीं बनी। अब इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी, 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी बना ली थी हमने मिक्सी के अंदर, लाल टमाटर होगी, ये डाल देते हैं। अब 2 से 3 मिनट और चला लेते हैं इसे। बिना कढ़ाई के मजा नहीं आएगा। ये लीजिए मस्त सेम गाजर, सेम फली गाजर की सब्जी रेसिपी बनकर तैयार है। गैस को कर देते हैं बंद, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पर डाल देते हैं और इंजॉय करते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जब भी आप मेरे तरीके से बनाएं तो नीचे आके कमेंट करें कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाए सिंपली गाजर, सेम गाजर हेल्दी रेसिपी सर्दियों की, उसे खाकर खत्म करते हैं।